सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। दोस्तों यूं तो आपने ये बात कहीं बार सुनी होगी, मगर आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसने इसे करके भी दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ लैम्बोर्गिनी के ओनर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की, जिसने फेरारी कार के ओनर से बदला लेने के लिए लैम्बोर्गिनी को बनाया। और आज के समय में लैम्बोर्गिनी खरीदना हर एक का सपना होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से। इस कहानी की शुरुआत हुई 28 अप्रैल 1916 को, जब इटली के सेंट्रो शहर में लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी, जो अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम किया करते थे। बचपन से ही कार के शौकीन फेरुशियो ने अपनी पढ़ाई भी इसी फील्ड में की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फेरुशियो ने एयरफोर्स में काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने वर्ल्ड वॉर के समय मैकेनिकल सुपरवाइजर का काम किया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फेरुशियो ने अपना खुद का एक गैरेज शुरू कर लिया। लैम्बोर्गिनी को गाड़ियों को बेहतर बनाने का शौक था। इन सब की वजह से उन्होंने ट्रैक्टर बनाना भी शुरू कर दिया और वर्ल्ड वॉर की वजह से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में जुड़ने लगे, जिन सब की वजह से लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ने लगी। फेरुशियो की कंपनी अच्छी चल रही थी, जिसकी वजह से बचपन से कार के शौकीन फेरुशियो ने फेरारी की लग्जरियस स्पोर्ट्स कार फेरारी 250 खरीदी। मगर कार को चलाते समय फेरुशियो को उसके क्लच में दिक्कत आ रही थी और लैम्बोर्गिनी ने सीधा ये बात फरारी के ओनर एंजो फरारी को बताई, मगर एंजो ने लैम्बोर्गिनी की बेइज्जती कर दी। एंजो ने कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। और लैम्बोर्गिनी को ये बात चुभ गई और उन्होंने अपनी खुद की कार कंपनी शुरू कर दी और 1964 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GT को भी लॉन्च किया। मगर 1966 में लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी मियोरा कार को लॉन्च किया, जिससे सारी दुनिया इसकी दीवानी हो गई। और उसके बाद लैम्बोर्गिनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कार बनाने वाली कंपनियों में लैम्बोर्गिनी ने आज अपनी अलग ही जगह बना ली। ये थी कहानी फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, और आगे आने वाले समय में आप इस चैनल पर किस तरीके की वीडियो चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।